सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव झिंझोली में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र संचालक की 2 सहकर्मियों समेत 8 हमलावरों ने डंडों से पीटकर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनके हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। देर रात वारदात को अंजाम देकर हमलावर केंद्र में उपचार करा रहे अन्य युवकों को भी लेकर भाग गए। बाद में वे उन्हें हरेवली मोड़ पर उतार गए। उपचार करा रहे युवक ने मामले से केंद्र संचालक के भाई को अवगत करवाया। वो केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने अपना भाई मृत अवस्था में मिला, जिस पर पुलिस को अवगत करवाया गया। सूचना के बाद पहुंची खरखोदा थाना की सैदपुर चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव झिंझोली निवासी राजेश ने बताया कि उनके छोटे भाई राकेश गांव में सरकारी स्कूल के पास दरियाव सिंह नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र चलाते थे। उनके केंद्र में 14 युवक थे, जिनमें गांव गंगाना निवासी आजाद और बबलू उसके भाई के सहयोगी थे और मरीजों की देखभाल में राकेश की मदद करते थे। राजेश ने बताया कि शनिवार सुबह वो घूमकर घर जा रहे थे तो रास्ते में उसे गांव गोपालपुर का प्रदीप मिला। प्रदीप उनके भाई के नशा मुक्ति केंद्र में उपचार करवा रहा था। प्रदीप ने उसे बताया कि देर रात गंगाना के आजाद और बबलू रोहतक के अंकुर, दिल्ली के वसंत, बिहार के विवेक, दिल्ली के बवाना निवासी जितेंद्र और सुशील, दिल्ली के गांव पुट निवासी साहिल, होलंबी कला के विशाल ने मिलकर राकेश की हत्या कर दी है। वो उसकी थार, जीप और वरना कार लेकर भाग गए। वो केंद्र में उपचार करा रहे अन्य युवकों को भी साथ ले गए थे। उन्होंने अन्य को हरेवली मोड़ पर उतार दिया और दोनों गाड़ियों को लेकर भाग निकले। वो नशा मुक्ति केंद्र का पूरा रिकॉर्ड और सीसीटीवी की डीवीआर भी लेकर भाग गए, जिस पर वो उनके साथ अपने भाई के केंद्र पर पहुंचा, जहां पर कमरे के अंदर उसका भाई मृत पड़ा था। उसके हाथ पैर बांध रखे थे, जिस पर उन्होंने परिवार के सदस्यों को अवगत करवाया। सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, उस पर पुलिस को अवगत करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। 10-12 आदमी थे अंदर, तो रात में 12 बजे 6 तो अंदर रह गए और 6 बाहर निकल गए। तो वो बाहर निकले, उन्होंने करी है वारदात। इसके हाथ पर बांध रखे थे और क्या करें, तख्त का और ने ऊपर कुर्सी डाल रखी थी नीचे फर्श पर और सिर फूट रहा था। क्या मारा गया इसको? ये पता नहीं ना, चोट मारी गई है। चोट मारी गई है, ये नहीं पता क्या मारा है। कबाड़ी वगैरह कुछ ऐसे चलाई गई है? कुछ भी वहाँ कुछ नहीं मिला, हथियार कुछ नहीं मिला हमारे। लेके भागे साथ में? हाँ साथ में गए। और क्या क्या लेकर गए हमें? 2 गाड़ी ले गए, एक और रोना गाड़ी थी, एक थार गाड़ी थी। कितने दिन से चला रहे थे के अंदर? 6 साल हो गए। क्या नाम था? राकेश। कौन से गांव में चला रहे थे? झिंझौली में। जो राकेश था वहाँ पे जो नशा मुक्ति केंद्र में रहने के लिए कुछ लोग आए थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? उन्हें दिया है। पहले रह रहे पहले वो कितने दिन से वहाँ पे रह रहे थे वे लोग? ये तो पता नहीं भाई, इतना तो पता नहीं। वही थे वो? हाँ वही थे, और फिर चले गए हुए गाड़ी ले। साथ किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया? देखो जी, रात का मामला है, इसमें क्या पता किस, लेकिन जो वहाँ नशा मुक्त केंद्र में रहते थे ना, उन्होंने कराया यो काम। कितने दिन से रह रहे थे? कोई 5 महीने तो रह रहे थे, कोई साल भर से रह रहा, कोई 1.5 साल से रह रहा। किस तरह से राकेश की हत्या की गई भाई? रात को क्या पता की वो हाथ पैर बांध रखे थे, उसके चोट मार रखी थी। हाँ चोट मार रखी थी उसके हाथ पैर बांध रखे। 2 गाड़ी थी, एक थार थी एक वरना थी, दोनों गाड़ियाँ ले गए। उसके जो अलमारी थी उसमें कुछ पैसे दे ले होंगे, कुछ सामान सब उधेड़ पे देड़ के सब बुरा हाल करके जा रहे थे। वो तो बहुत अच्छा काम करता था, समाज सेवी था, और ना जा पैसे भी नहीं ले था उन पे, वो ज़्यादा गरीब था तो उनको वैसे ही छोड़ देता। मृतक है जी राकेश सनोव दरियाव सिंह, गाँव झिंझोली का। ये अपना एक दरियाव सिंह के नाम से नशा मुक्ति केंद्र चलाता था, जो रात के समय जो मरीज थे इसके पास, मरीज ओबलिक नशेड़ी जिनका इलाज चल रहा था, उन्होंने इसको मार कर वो भाग गए हैं। तफ्तीश जारी है, जल्द से जल्द पकड़ेंगे इनको। किसी से हत्या की गई है जी? हत्या किसी से की गई है? वारदात किस? हत्या लाठी डंडे हैं, कुछ सार्प चोट हैं, वो तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर कर पाऊंगे।